नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे बीच में हैं अविनाश जायसवाल जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और आज जो प्रकाश उत्सव के लिए कार्यक्रम हुआ, जरा उसके बारे में बताएं। लाल किले की प्राचीर से लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और देशभर का आह्वान किया था कि ये जो दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व वर्ष है, ये और पूरे देश में मनाया जाना चाहिए और इसे भारत सरकार भी मनाएगी। और उसके लिए उन्होंने अनेक सरकारी स्तर पर भी बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन राष्ट्रीय सिख संगत ने 350 वर्षों में पहली बार और 9 राज्यपाल भवनों में और 15 मुख्यमंत्रियों के द्वारा संपन्न किए गए उनके आवासों में और राजधानियों में कार्यक्रमों को संपन्न कराने में योगदान डाला। और सभी जगह और ऐसा उत्साह है गुरु गोविंद सिंह जी के शिक्षाओं को प्रचारित करने का कि वो अगर गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं घर घर पहुंचाई जाती हैं तो जो आज की चैलेंजेस हैं, विश्व के चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करके भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रीय सिख संगत ने ना केवल राज्यपाल भवनों और मुख्यमंत्री निवासों में, बल्कि जो इस देश का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके सरकार एवं माननीय भैया जी जोशी जी से भी विनती की थी कि वे इस पर्व को और संघ की सभी शाखाओं में मनाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी देश की 50,000 शाखाओं में और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व वर्ष संपन्न किया। फिर देश के जो संत हैं, महात्मा हैं, वो भी इसमें पीछे नहीं रहे। बाबा रामदेव जी ने अपने पतंजलि योगपीठ में और एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया जिसको 20 करोड़ लोगों ने देश और विदेश में देखा। उनकी कनेक्टिविटी 20 करोड़ है। फिर ऐसे ही गायत्री पीठ जो है हरिद्वार में, उनके यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें उनके छात्र थे, स्टाफ था और संगत थी हरिद्वार की, वो तो 1500 थी, लेकिन उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि आज इस कार्यक्रम को 12 करोड़ लोगों ने और देखा है। तो इस प्रकार का देश के 29 प्रांतों में और देश के कोने कोने में राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा और ये जो 350वां, अब 351वां शुक्राना प्रकाश पर वर्ष जो है, ये राष्ट्रीय सिख संगत संपन्न करने जा रहा है अभी। और 31 तारीख को मुख्यमंत्री इम्फाल मणिकरण के निवास पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उधर राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश का निमंत्रण आया है कि भाई हम ये कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। और ऐसे देश में सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर भी अब तक 923 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। तो इस प्रकार का सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी का, जो देश धर्म समाज के रक्षक कहलाए और जिनके बारे में सूफी कवि बुल्ले शाह ने कहा, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, होते ना गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी, ऐसा एक जो प्रकाश स्तंभ हमारे इतिहास में, हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में है, उनको जन जन तक पहुंचाना ही राष्ट्रीय सिख संगत का लक्ष्य है। अविनाश जी, गुरु गोविंद सिंह के संदेशों, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी संस्था आगे क्या कर रही है? हमने अभी उन्हीं से प्रेरित होकर और भाई मणि सिंह जी, जो जिनके परिवार के 42 और बेटे बेटियां, भाई भतीजे ऐसे शहीद हुए, उनके नाम से गुरुमत शोध संस्थान ट्रस्ट का निर्माण किया है, उसके द्वारा और इस प्रकार का काम जो है, इन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम जो संपन्न हुए उसमें बाबा रामदेव जी ने भी बड़े गर्व से पतंजलि पीठ में और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से और एक पीठ स्थापना करने की घोषणा की है और उसका कार्य शुरू हो गया है। ऐसे ही खट्टर जी ने और राजकीय स्तर पर
श्री मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम संपन्न किया, उन्होंने भी गुरु गोविंद सिंह जी नाम से हरियाणा में और विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। और अभी नांदेड़ में जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुता गद्दी दी थी और जहां उनका ज्योति जोत समाये थे, वहां मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बोर्ड ने कार्यक्रम संपन्न किया है, तो उस पर पिछली सरकार के द्वारा और 61 करोड़ रुपए का कर्जा खड़ा था, तो उसको भी समाप्त करवाने में हमने अपना योगदान डाला है। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम सरकारें या आदमी जो है गुरुओं को लोन देने वाले कौन होते हैं, हम तो उनसे मांगते हैं। और उन्होंने और भी घोषणा की है कि अगर और भी कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ऐसे देश भर में गुरु शिक्षा के केंद्रों को, गुरुद्वारों को, विश्वविद्यालयों को, संस्थाओं को हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं के प्रसार प्रचार के लिए व्यवस्थाएँ बने। मीडिया के सौजन्य से सुनने में आया था कि नांदेड़ के अंदर गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे के अंदर 61 करोड़ का जो आपने बताया लोन का, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं लोगों ने दिया था, अभी उसको गुरुद्वारा क्यों उसको फुलफिल करें? यही हैरानगी की बात थी कि कांग्रेस सरकार ने 300 साल गुरुता गद्दी वर्ष के समय नांदेड़ साहब के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, लेकिन उन्होंने खर्च किया 361 करोड़ रुपया। और 61 करोड़ रुपया उस सरकार ने उस बोर्ड के नाम खड़ा कर दिया और 2008 से हर वर्ष उस बोर्ड पर तलवार लटकाए रखी। और वो बेचारे इधर उधर उसके लिए, क्योंकि एक धार्मिक स्थल तो उसको तो आर्थिक सहायता चाहिए, तो इसलिए वो बहुत बड़ा उनका कष्ट था जो वो अनेक बार सरकार बनने से पहले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले, महाराष्ट्र सरकार बनने से पहले चर्चा में था हमारे साथ। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और हमने महाराष्ट्र सरकार से ये विषय चलाया, तो ये बड़े गर्व की बात है कि वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी 31 दिसंबर को और उस 61 करोड़ से वो कर्जे से मुक्त कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करा और उन्होंने मुगलों से भी लड़ाई करी। और सिर्फ इनको गुरु गोविंद सिंह को सिखों के बादशाह ही क्यों कहा जाता है? हिंदुओं को मिलाने के लिए आप इसमें क्या कार्य कर रहे हैं? ये जो शब्दावली है ये राजनीतिक है। तो जैसे आपने देखा होगा 47 के बाद हमारे देश की राजनीति ने और पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजातियों में बांट कर उसे वोट बैंक बना दिया। सिख समाज जो है इस देश का गौरव है, पंथ जो है वो सारे जो भारतीय संस्कृति है, मानव मात्र का कल्याण चाहने वाला है, और गुरु परंपरा जो है वो जो है और मानव मात्र की, जीव मात्र की चिंता करने वाली है। एक राजनीतिक विषय है। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो ब्रह्मांड के, सृष्टि के, प्राणी मात्र के, जीव मात्र के गुरु थे। आप थे अविनाश जी, SMS से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। SMS से, SM News से बातचीत करने के लिए बहुत आभार। और ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए मैं कवि की पंक्तियां बोला करता हूं, समय को जो चुनौती दें, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए अपने देश में कितना वातावरण है हम ये जानते हैं कि बड़ी, और उसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, मान अपमान सहना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर कुछ देश, समाज और धर्म के लिए कार्य किया जा सकता है। तो समय को जो चुनौती दे वे वीर होते हैं, मृत्यु से खाते न भय रणधीर होते हैं, देश रज जो शीश पर चंदन समझ धरते, सत्य वे ही देश की तकदीर होते हैं। SMS न्यूज़ के लिए और मेरे ये भाव आप स्वीकार करें। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।